उनका लड़का इतना बदतमीज था कि उन्होंने मेरे कपड़े तक ऊपर कर दिए थे, मेरे हाथ की सीट के मेरी टी शर्ट तक ऊपर कर गई थी और मेरी माँ की मेरी ब्लाउज तक फाड़ दिया था। मतलब कि वो इंसान के जानवर है कि चलो जब हुआ तो लड़के की इज्जत तो रख। सर पे मारा, दोनों को सर पे फटा हुआ जी। मैं उसने मुझे मारा और टी शर्ट ऊपर कर दिया। मैं होश में भी नहीं थी, लेकिन जब मेरे भाई की खून सी लत पर देखी तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैं किसी में मैं ऐसे ही चली आई हॉस्पिटल। वो कह रहे कि उसका भी कुछ नहीं कह सकते, 4-5 दिन लगेगा होश आने में, तब तक आप वेट करो। अभी तक होश भी नहीं आया है। और मेरे भैया के सर सिर पट गया, उसके ऑपरेशन बोल रखा है। अरे बोन जो है अंदर चली गई है, अंदर चली गई है, उसकी हड्डी टूट के अंदर चली गई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब 24 न्यूज़। दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक महिला को और साथ में देख सकते हैं उनके दो भाई, जिनके ऊपर देर रात इतने बुरे तरीके से हमला हुआ है। और बता दें इनके भाई और भाभी जो है वो बुरे तरीके से जो है घायल हो चुके हैं। और बता दें तो हालत इतनी ज्यादा नाजुक है कि ICU में भर्ती करना पड़ा। इस समय हम एक निजी अस्पताल के बाहर पार्किंग में खड़े हैं और जहां पर बता दें तो अभी डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं बताया है कि उनकी हालत जो है वो किस तरीके से ठीक होगी, क्योंकि बता रहे हैं सिर की हड्डी भी जो है उसके अंदर भी क्रैक आया है। बता दें तो वहाँ पर कुछ बदमाश लोगों ने, बता दें तो इनके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने देर रात जो है, बता दें पुलिस के सामने जो है जब मौके पर डायलेक्ट सुबाना की टीमें पहुंची हुई थी तब इनके ऊपर हमला किया। और उसके बाद जाकर जो है इनके जो भाई और भाभी हैं उन दोनों की ही हालत बता दें इतनी ज़्यादा नाजुक है कि सिर में ईंटें मारी गई हैं। और यहां पर बता दें तो ये बिहार का रहने वाला परिवार है, रात को अपने घर की छत के ऊपर बता रहे हैं कि ये पूजा कर रहे थे और पूजा के दौरान पड़ोस के जो व्यक्ति हैं उन्होंने किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया। पूरी बातचीत हम इनसे करते हैं। बकायदा ये महिला आप देख रहे हैं बकायदा रोती हुई, बता दे तीनों भाई बहन हैं और इनके भैया भाभी काफी नाजुक हालत में निजी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां ये पहुंचे हुए हैं और फिलहाल रोते हुए अपनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। हम जाकरण बिहार में रहते हैं, 3 नंबर गली में जी। पड़ोस में राणा नाम का ओम प्रकाश है। मेरी मम्मी इलाका है करण बिहार है। अच्छा, गली नंबर 3 है। मेरी मम्मी छत पे पूजा कर रही थी, जो छैती छठ होती है वो सारे बिहारियों को पता है, जो हमारे साइड के सबको ही पता है। मैंने उनको बोला भी कि एक बार चेक कर लो, उन्होंने बात नहीं सुनी और वो पत्थर लेके कहता है कि तुम टोना टोटका कर रहे हो, वो मारने को आ गए। मेरी मम्मी तो नीचे आ गए, मेरे भाई भी नीचे आ गए। उसके बाद वो बाहर नीचे आए और इसको धक्का मुक्की करने लगा। फिर उसने डायलेक्ट सुपारा को कॉल किया, डायलेक्ट सुपारा वाला आया, उसके सामने भी उन्होंने बहुत गंदी गंदी गाली दी, इवन मुझे भी बहुत गंदी गंदी गाली दी। उसके बाद 2 मिनट ठीक रहा, लेकिन उसके बाद वो हमें कह रहे थे कि वो हमें जान से मार देंगे, रात को घुस के जान से मार देंगे। बहुत बुरी तरीके से कह रहे थे कि जान से मार देंगे, तुम अभी के अभी मकान खाली कर दो, तुम्हारे पास रात का टाइम है, तुम अभी के अभी मकान खाली कर, वरना तुम्हें रात को घुस के मार देंगे। अच्छा, फिर हम लोग बहुत डर गए थे। मम्मी कह रही थी रिपोर्ट नहीं करना, मैंने कहा नहीं, अगर वो हमारे फैमिली को कुछ कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। फिर हमने कहा रिपोर्ट करवाना जरूरी है, हमारी सेफ्टी हो जाएगी, इसीलिए हम जाके पुलिस में रिपोर्ट करके आए। उसमें हमारे साथ एक पुलिस वाला बंदा भी आया, उन्होंने उसको समझाने के लिए गया, लेकिन उन्होंने उसके साथ भी इतनी बदतमीजी से बात करी, इतनी बदतमीजी से, यहाँ तक उसको मारा भी है। पुलिस वाले भैया अकेला था, उनको भी मारा है। डायलेक्ट सुबारा की टीम आप ही ने बुलाई थी? हाँ जी, हमने ही बुलाई थी। हाँ जी, ठीक है। और फिर जब दूसरी बार जो हम रिपोर्ट करवा के आए हैं वो भी हमने बुलाई थी, और वो उसको समझाने के लिए गया था कि भाई आप ऐसे ना करो, गरीब बंदा है खाने, लेकिन वो नहीं सुना, उनको भी बोलने लग गया। उनकी छत पे पूजा कर रहे थे और वो आपको मना करने के लिए आए कि पूजा नहीं करनी? हाँ, वो कह रहे तुम टोटका कर रहे हो। मैंने कहा ये टोटका नहीं, आप एक बार चेक कर लो फिर बताने, टोटका नहीं है। कहते नहीं तुम टोटका कर रहे हो। वो इतनी गंदी तरीके से बोलने का, पत्थर वो काटने वाला होता है इतना बड़ा, वो काटने के लिए ऊपर आ गया कि हम तुम्हें काट देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम टोटका कर रहे हो, ये कर रहे हो, हमारे बच्चे डर रही है। मैंने कहा ऐसे कुछ किया ही ना, एक बार देख तो लो फिर उसके बाद बोलना। वो हमारी एक नहीं सुनी, नीचे आके बहुत गंदी तरीके से बोलने लगा। मैं यहाँ तक कि मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी की ब्लाउज सारी फटी हुई है, मेरे घर के बाहर ना सारा खून खून सड़क पे हुई पड़ी है, मेरी उधर स्कूटी खड़ी है, स्कूटी को देखोगे तो वो खून से ऐसे सना हुआ है, मेरे कपड़े सारे सने हुए हैं, ऊपर का चेंज किया, इसके अंदर की सारे टी शर्ट सब, मतलब बहुत बुरी तरीके से। कितने बजे की घटना है? रात की रात की 9:30 बजे के, 9:30 बजे की बात है, 9:30 के हाँ 10 बजे के आसपास की भी, जब हम बाद में रिपोर्ट करके हम पुलिस वाले को बुलाए। आपके जो भाई और भाभी हैं उनके सर पर क्या क्या मारा उन्होंने? उन्होंने इतना बड़ा पत्थर मारा है जो अभी मेरे घर के बाहर खड़ा है, इतना बड़ा, बहुत बड़ा, जो सड़क पे पत्थर लगता है ना, सड़क पे सर पे मारा, दोनों को सर पे फटा हुआ जी।
मेरी भाभी का कोई उम्मीद नहीं है, वो कह रहे कि उसका भी कुछ नहीं कह सकते, 4-5 दिन लगेगा होश आने में, तब तक आप वेट करो। अभी तक होश भी नहीं आया है। और मेरे भैया के सर सिर पट गया, उसके ऑपरेशन बोल रखा है, सारे बोन जो है अंदर चली गई, अंदर चली गई है, उसकी हड्डी टूट के अंदर चली गई है, डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम तो डेली कमाते हैं खाते हैं, हम कहाँ इतने पैसे लगाएंगे, और उनसे तो हमारी बात तक नहीं होती, हम अपना खाते हैं कमाते, उसका कोई हमें रोल ही नहीं था, पता नहीं क्यों, क्या मतलब क्या दुश्मनी निकाला हमें, यही जबकि मेरी मम्मी भी इतने दिनों से नहीं थी घर में, कोई भी नहीं था, हम दो भाई बहन आराम से रह रहे थे, मम्मी अभी बच्चे बुच्चे आए हैं, कहते तुम 100 बंदी मतलब बहुत इस कदर के मेरे कपड़े, लोग थे जिन्होंने हमला किया, 7-8 बंदे थे, दोनों उनके जो पड़ोस में रहते हैं, हाँ दोनों भाई हैं, दोनों भाई के बच्चे थे दोनों थे, उसमें एक लेडी भी थी जो उसकी वाइफ थी, वाइफ ने मुझे बहुत गंदी गंदी तरीके से बोला, उसने भी मुझे धमकी दी कि तुम्हें मरवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे दोस्तों, आपको और ये पुलिस वाले के, और ये पुलिस वाले के सामने जब ये सब हुआ तो सोच के देखो हमारा अकेले में क्या करेंगे, पुलिस वाले भैया के सामने हमें मारा, हमें घसीटा, हमको क्या करेंगे, उसके सामने नहीं हमको देखा गया तो उसके बाद तो हमको थोड़ी है दोस्तों, आप समझ सकते हैं जब किसी पुलिस यानी मौके पर आई हो और उसके सामने इस तरीके से मारपीट हो जाए तो फिर आदमी फिर किस पर भरोसा करेगा। मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देता हूं इनके जो भैया और भाभी, बता दे तो इस समय दोनों की हालत इस तरीके की है कि दोनों को होश नहीं आया और डॉक्टर्स ने अभी बोला है होश आने की अभी कोई उम्मीद उन्हें लग नहीं रही है क्योंकि दोनों ही ICU में भर्ती हैं। अभी बता दे तो जो भाई हैं उनके सर की जो हड्डी है बता रहे हैं वो अंदर जा चुकी है और ऐसे में ये बड़ा मामला बनता है और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी भारी धाराएं जो हैं इसके अंदर जरूर दर्ज होने वाली हैं। अभी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इनके भाई की, एक बार आप देख सकते हैं और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इनके भाई हैं जो कि अभी बहुत ही गंभीर अवस्था के अंदर हैं, आप उनकी तस्वीर इस समय देख पा रहे हैं, और जो इनकी भाभी हैं ये भी बहुत गंभीर अवस्था में है। बता दें तो ये अभी इन लोगों को होश नहीं आया है, यानी इस समय भी ये बेहोश पड़े हुए हैं, निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, अभी डॉक्टर्स ने कुछ भी कहने से भी मना किया, यानी कुछ भी उन्होंने नहीं बताया साफ कि कब तक होश आ सकता है या वो सेफ है या नहीं है। उनका कहना है कि डॉक्टर्स अभी इस बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और हड्डी अगर अंदर घुस चुकी है जैसा कि इनको डॉक्टर ने बताया है, जैसा कि इन्होंने बताया है, उसी हिसाब से तो ये मामला काफी बड़ा। और बता दें तो जो स्कूटी है जिसकी हम तस्वीरें आपको बता दें तो दिखा नहीं सकते क्योंकि उस पर ब्लड के काफी ज्यादा निशान है और उस पर ये रात को लेकर आप वहीं लेकर आए थे, इस पे आप उनको स्कूटी पर लाए, स्कूटी पे लेकर आए थे, गोद में बिठा के, मतलब पैर ऊपर, आप भी वहीं थे जब सब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, आप भी वहीं पे थे, तो लोग आए नहीं बचाने के लिए, कोई नहीं आए जी, उनके ही पड़ोस के ही है ना सब, अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, सब देख रहे थे और वो लोग मार, उसके बाद पुलिस की टीमें आई 112 के बाद, पुलिस की टीमें नहीं आई, 32-33 थाना पड़ता है ना वहाँ पे, पहले तो 112 को जब हम फोन किया वो तो आए तो थे, उन्होंने कहा कोई नहीं हम मकान खाली कर देना, हमें उससे थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन उनके सामने वो हमें मुझे मारने आ रहा था, उसका जो थोड़े लंबे बाल वो मुझे मारने आ रहा था, कहता कि हम तुम्हें मार देंगे, उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा लेकिन मैं मार दूंगा, ऐसे ऐसे करके क्या बोला उन्होंने, आप बता रहे थे कि मकान खाली करने को बोल रहे हैं, हाँ वो कह रहे कि आज रात तक ही मकान खाली कर दो वरना हम तुम्हें रात तक मार देंगे, पड़ोसियों ने बोला, पड़ोसियों ने बोला, हाँ जी यही इनका मकान है, तो आप घर पे गए रात को, फिर आप, इसीलिए हमने पहले तो रिपोर्ट करवाया ताकि हम कहाँ जाते, क्योंकि कल को कुछ कर देता तो हम कहाँ जाते, इसीलिए हमने रिपोर्ट करवाई, हाँ जी हम डेली कमाते और खाते, हमारे इसके अलावा कुछ नहीं है, पहले तो हम उसमें कल्पना में लेके गए थे लेकिन वहाँ पे इलाज थोड़ी स्लो थी, तो हमने कहा तब तक तो मेरा भाभी भैया भाभी बचेगा अपनी, जो भैया का नाम क्या है आपके, श्याम चौधरी, और जो भाभी है आरती देवी, आपका नाम क्या है, मनीषा। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं कि इनके जो भाई हैं श्याम और जो आरती हैं, बता दें इस समय अंदर ICU में भर्ती हैं। अभी बता दें तो इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भारी धाराएं जरूर दर्ज होने वाली हैं और होनी चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हैं बिहार से ये लोग आते हैं यहाँ मेहनत करने के लिए, अगर इनके साथ ऐसा होगा तो फिर यहाँ पर कौन आएगा मेहनत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा क्राइम किया है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ मारा गया है, ईंटें मारी गई हैं, बात को कहीं ना कहीं पुलिस के जरिए भी सुलझाया जा सकता है, पुलिस मौके पर बुलाई जा सकती थी अगर उन्हें इनसे कोई एतराज होता तो। इनका कहना है कि ये पूजा कर रहे थे छत के ऊपर जिसे टूने का नाम दिया गया और उसके बाद झगड़ा जो है किया गया, बकायदा उन्हें डराया धमकाया गया और पुलिस के सामने उनके साथ मारपीट की गई। यहाँ पर बता दें तो अभी फिलहाल जो लिखती रिपोर्ट है वो आपने दे दी है अभी थाने में, अभी हाँ जी दे रखी है, लेकिन अभी दोबारा भी गए नहीं क्योंकि हम यहाँ से फ्री नहीं, क्योंकि सोच सोच के तो टेंशन आ रही है, इसलिए हम गए नहीं है,
और वहाँ पे पुलिस वाले भैया के सामने उसके आप लाइव लोकेशन चेक कर सकते हो। भैया वहीं पे थे जब हमें उन्होंने मारा, तो वहीं पे थे। वही अकेला बंदा था, उनको भी यहाँ पे चोट आई है, लेकिन वो अकेला क्या करता, किस किस को बचाता। आपको इतनी चोटें लग गई, मतलब पुलिस ने कोई आगे कार्रवाई नहीं करी भी? उन्होंने क्या बोला, कम्प्रोमाइज कर लो? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने बोला कि कोई नहीं, हम देख रहे, हम कर लेंगे, आप टेंशन ना लो, टेंशन। तो पुलिस आनी चाहिए थी, फिर मौके थाने से आई पुलिस रात को उस टाइम आके, फिर वो वापस चले गए। डायरेक्ट दोबारा तो नजदीकी थाने को संपर्क करते हैं। हां, वो तो आके चली गई थी, यहां लेके आए थे। चले चले आए थे घर पे आपके? घर पे नहीं आया था जी, सिविल पे आए थे, सिविल हॉस्पिटल। अच्छा, वहां पे आए जी? मैं पेशेंट को लेके आया था, उनको जमा करवाया था आपने, एडमिट। वहां आई थी पुलिस? हां जी, वहां आई थी पुलिस। क्या बोली पुलिस? तो कह रहे हम देखेंगे, क्या कह रहे पहले इलाज करवाओ, बाकी हम देखेंगे। पहले इलाज करवा लो, पहले उसमें ध्यान दो, इसमें बाद में देखना जो भी करना। तो अभी रोका भेजा है वहाँ पे अभी इन्होंने कि नहीं? अभी किसी ने नहीं भेजा जी, अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी होश नहीं आया, इसलिए अभी होश ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हां जी, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्प कर दे मेरी प्लीज से, प्रशासन से उम्मीद है कि उसको हमें इंसाफ मिले, उसको सजा मिले, क्योंकि या तो हमारा एक चांस है, अगर मेरे भैया भाभी बच जाते और वो सारा खर्चा देते तो हम 1% सोच भी सकते हैं, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। मतलब डॉक्टर सीधा यही कह रहे हैं कि अभी 5-6 दिन तक उनके होश नहीं आएगी। अभी जाने से डर भी लग रहा होगा? पूरी रात तो, पूरी रात तो कुंडी लगा के रहे हैं, कुंडी और लगा के सो रहे थे जी, रात कुंडियां लगा कर, यहाँ तक कि बाहर भी नहीं निकल रहे थे। तो आप लोगों के साथ भी मारपीट? मेरे साथ भी हुई है, मैंने अभी दवाई खाई है, मेरे पीछे देख सकते पूरी स्वेलिंग है, सुबह से सिर में दर्द, अभी सिर में मारा है उन्होंने हाथ से? हाँ जी, हाँ जी, मुक्के से। मेरे को 5 जने ने घसीट के इधर लेके आए, मेरे सर सुट पारे और मारे, मुक्के मुक्के मारे। आपके भी मुक्के मारे? आपको? आपको मारा जी, आपको भी मारा। तो यहाँ पर बता दें, ये चोट पहले की आपकी? ये पहले की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जी, यहाँ तक कि उनके लड़का इतना बदतमीज था कि उन्होंने मेरे कपड़े तक ऊपर कर दिए थे, मेरे हाथ की सीट के मेरे टी शर्ट तक ऊपर कर गई थी, और मेरी माँ की मेरी ब्लाउज तक फाड़ दिया था। मतलब कि वो इंसान के जानवर है कि चलो, जब हुआ तो लड़के की इज्जत तो रखे। बीच पब्लिक इतनी सारी थी, उसने मेरी टी शर्ट ऊपर कर दी थी, मैं उसने मुझे मारा और टी शर्ट ऊपर कर दिया। मैं होश में भी नहीं थी, लेकिन जब मेरे भाई की खून सी लथपथ देखी तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मैं किसी में ऐसे ही चली आई हॉस्पिटल। दोस्तों, अभी इस मामले में कार्रवाई जो है वो अच्छे से हो जाए, इसकी हम भी जो है पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना जरूर है कि गरीब परिवार है और गरीब व्यक्ति, आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं जो कानूनी कार्रवाई है उसको लेकर हमेशा परेशान रहता है कि कहीं उसे ही कानून की तरफ से ज़्यादा परेशान तो नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर इन्हें कोई भी मदद चाहिए होगी तो IBIN 24 उनकी मदद ज़रूर करेगा, और ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो इतने बुरे तरीके से, जानवरों के तरीके से किसी के साथ मारपीट कर सकते हैं, वो भी कानून की आंखों के सामने। तो ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं शर्मनाक हरकत है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं इनके भाई भाभी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, और इस मामले में आगे को भी कुछ कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी उसका अपडेट भी आपको दिया जाएगा। आप सब कमेंट में बताएं कार्रवाई किस तरीके की होनी चाहिए। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे IBIN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय।